Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to study about gram staining technique. आज की वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with the introduction. It was introduced by Danish bacteriologist Hans Christian Gram in 1884. इस टेक्निक को Hans Christian Gram ने 1884 में इंट्रोड्यूस किया था. Gram staining is the most common and most used differential staining technique in the microbiology. Differential staining technique हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करती है, विच इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब डिफरेंशिएशन करने से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग. अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है. व्हेन द बैक्टीरिया इज स्टेन्ड विथ प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट एंड फिक्स्ड बाय मॉर्डेंट, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर एबल टू रिटेन प्राइमरी स्टेन एंड सम आर डीकलराइज्ड बाय एल्कोहल. जब बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, प्राइमरी स्टेन है, ठीक है. जब बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं और फिर मॉर्डन से फिक्स करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अल्कोहल से डीकलराइज हो जाते हैं, ठीक है. अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ठीक है. अब हमें नहीं पता वो बैक्टीरिया कैसा है, ठीक. तो जब हम इसमें प्राइमरी स्टेन विच इज़ क्रिस्टल वॉयलेट, जब हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं और मॉर्डेंट से फिक्स करते हैं, तो क्या होता है, मॉर्डेंट क्या है इसमें, मॉर्डेंट है ग्राम्स आयोडीन. जब हम आगे रिएजेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मॉर्डेंट क्या है और किस तरह से कैसे कब यूज़ हो रहा है, ठीक. जब हम क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करते हैं और फिर मॉर्डेंट से फिक्स करते हैं, क्योंकि हमारा ग्राम आयोडीन, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स. ये दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में होगा, दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया में इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो. क्लियर? अब मेन बात क्या आती है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया इस कॉम्प्लेक्स को रिटेन करता है और कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया इस कॉम्प्लेक्स को अपनी सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है. इसी की वजह से डिफरेंशिएशन हो पाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में. अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की. तो ग्राम पॉजिटिव की, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और लिपिड कंटेंट कैसा होता है इसमें, लो होता है, ठीक है. अब थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, तो क्या होगा जब हम डीकलराइज करेंगे, डीकलराइज हम किससे करते हैं, अल्कोहल से, ठीक है. जब हम सेल को डीकलराइज करेंगे तो इसकी सेल क्या होगी, थिक सेल वॉल श्रिंक होगी और डिहाइड्रेट होगी. श्रिंक होने से और डिहाइड्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो इसके सेल वॉल के पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और सेल से स्टेन को बाहर निकलने नहीं देंगे. बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स को, कौन से कॉम्प्लेक्स को, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को सेल से बाहर निकलने नहीं देंगे, ठीक है. तो इथेनॉल की वजह से ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं निकल पाता और हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं, ब्लू या फिर पर्पल कलर के दिखते हैं, ठीक. अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है. अब थिन लेयर है तो क्या होगा, जब हम वाटर से वॉश करेंगे तो सी वी आयोडीन कॉम्प्लेक्स, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स वॉश ऑफ हो जाएगा. वॉश ऑफ होने के बाद एक आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है. तो पेप्टिडोग्लाइकन से तो निकल जाएगा, बट किस पे जाके अटैच हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स हमारा, इस लिपिड की लेयर पे, ठीक है. अब देखो, फिर जब हम इसको एल्कोहल से
क्या करेंगे, वॉश करेंगे, तो ये लिपिड की लेयर डिजॉल्व हो जाएगी और जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो कम्प्लीटली सेल से बाहर निकल जाएगा। देन अगेन स्टेन्ड विथ सेफ्रेनिन, फिर जब हम उसे दोबारा सेफ्रेनिन से स्टेन करेंगे तो वो इस स्टेन को ले लेंगे और हमें कैसे दिखेंगे, रेड या फिर पिंक इन कलर हमें दिखेंगे। क्लियर? ये पूरा प्रिंसिपल था ग्राम स्टेनिंग का। अगर नहीं समझ आया होगा या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिएजेंट्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। कौन कौन से रिएजेंट्स ग्राम स्टेनिंग में यूज़ होते हैं? सबसे पहला आता है क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि है हमारा प्राइमरी स्टेन। सेकेंड है आयोडीन, विच इज ग्राम्स आयोडीन। ठीक है, ये हमारा मॉर्डेंट की तरह वर्क करता है। देन है एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, डीकलराइजिंग एजेंट है। फिर सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन हमारा काउंटर स्टेन है। ओके, अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है, ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे। ठीक है, कैसी स्लाइड लेंगे, एकदम क्लीन और ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे। ठीक है, फिर उस पे हम स्मीयर बनाएंगे सस्पेंशन का विद अ लूप फुल ऑफ सैंपल। सैंपल हम पूरा लूप फुल लेंगे और एक स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको एयर ड्राई होने देंगे और हीट फिक्स करेंगे। ठीक है, हीट फिक्स हम क्यों करते हैं, हीट फिक्स करने से एक तो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है, और स्मीयर जो है वो बहुत स्ट्रांगली स्लाइड से अटैच हो जाता है और साथ ही साथ जो हमारा सैंपल है वो जल्दी से स्टेन टेकअप कर लेता है। क्लियर? फिर हीट फिक्स करने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट वॉज पोर्ड एंड कैप्ड फॉर 30 सेकेंड एंड वॉश विद वाटर। फिर उसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे और उसको 30 सेकेंड्स तक के लिए रखेंगे और फिर वाटर से वॉश कर देंगे। फिर उसमें हम ग्राम्स आयोडीन डालेंगे, 60 सेकेंड्स तक के लिए रखेंगे एंड देन उसे फिर से वॉश कर देंगे वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद हम उसमें 95% एल्कोहल ऐड करेंगे और 10 to 20 सेकेंड्स के लिए रखेंगे और फिर उसे हम वाटर से वॉश कर देंगे। फिर लास्ट में हम अपना क्या डालेंगे, काउंटर स्टेन विच इज सैफ्रनिन, सैफ्रनिन डालेंगे और उसको अबाउट 1 मिनट तक के लिए रखेंगे और वाटर से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद उसे ब्लॉड ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा फ्लो चार्ट में प्रोसीजर ही है। देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैक्टीरियल बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे ग्लास स्लाइड पे, फिर उसे हीट फिक्स करेंगे, फिर क्रिस्टल वॉयलेट की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और उसे 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, देन वाटर से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम उसमें ग्राम्स आयोडीन डालेंगे, 60 सेकेंड्स तक के लिए रखेंगे। 60 सेकेंड्स तक रखने के बाद हम उसे फिर से वाटर से वॉश कर देंगे। वाटर से वॉश करने के बाद हम एल्कोहल डालेंगे, 10 to 20 सेकेंड्स के लिए रखेंगे। फिर हम सैफ्रनिन अप्लाई करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, देन उसे फिर से वाटर से वॉश कर देंगे, एयर ड्राई करेंगे, ब्लॉड ड्राई करेंगे और विजुअलाइज करेंगे अंदर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में अगर हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हुआ तो वो हमें पर्पल या फिर ब्लू कलर का दिखेगा, अगर ग्राम नेगेटिव हुआ तो वो हमें पिंक या फिर रेड कलर का शो होगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिलस, क्लस्ट्रीडियम, कॉरिनी बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, एंट्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ईकोलाई, सालमोनीला, शाइगीला, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर, एंटीरियो बैक्टीरिएसी, स्यूडोमोनास, मॉरेक्जिला एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। एक बार प्रिंसिपल फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
देखो ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, जब बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं और मॉर्डेंट से फिक्स करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्कोहल से डीकलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया पे हम प्राइमरी स्टेन जो कि क्रिस्टल वॉयलेट है वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसे मॉर्डेंट से फिक्स करते हैं, तो बैक्टीरिया में एक टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे हम क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है कि कौन सा बैक्टीरिया इस कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर पाता है और कौन सा बैक्टीरिया इस सेल को बाहर निकाल देता है, इसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती है और लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा लो होता है इसमें। ठीक, तो जब हम सेल को डीकलराइज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल को डीकलराइज करते हैं, तो डीकलराइज करने से क्या होता है कि जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो डिहाइड्रेट हो जाती है और श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से सेल वॉल में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को सेल से बाहर निकलने नहीं देते। और जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हमें किस तरह के दिखेंगे, ब्लू और पर्पल कलर के शो होंगे। अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती है, तो जब हम उसे वाटर से वॉश करते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर से तो निकल जाता है, पर वो जाके अटैच हो जाता है एक आउटर लेयर जो कि लिपिड की बनी होती है उस पे। ठीक है, अब जब वो उस पे अटैच हो जाएगा, तो अटैच हो जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। अल्कोहल से ट्रीट करने से क्या होगा कि जो लिपिड लेयर है सेल वॉल की वो डिसॉल्व हो जाएगी और क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कम्प्लीटली सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक, फिर जब हम दोबारा से स्टेन करेंगे सेफ्रिनिन से, तो सेफ्रिनिन स्टेन क्या करेगा, उसमें रह जाएगा और वो हमें कैसा शो होगा, रेड या फिर पिंक कलर का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।